दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तवा डैम के पूरे गेट खोले जा चुके हैं, बरगी के गेट खोले जा चुके हैं और बारना के गेट भी खुल चुके हैं। नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है। शाम के 6 बजने वाले हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। हम लोग आ चुके हैं नर्मदा पुल पर, भोपाल बैतूल नेशनल हाईवे पर बना हुआ पुल। यहाँ से हम दर्शन करते हैं माँ नर्मदा के। सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर 955 फीट के लगभग हो चुका है और खतरे के निशान से लगभग 10 फीट नीचे है। नर्मदा पर बने इस सड़क पुल को पार करके अंडरब्रिज से अब हम वापस जाएंगे और दूसरी तरफ से वापस नर्मदापुरम तरफ लौटेंगे। हम अकेले ही नहीं हैं जो नर्मदा पुल से खूबसूरत नज़ारे देखने आए हैं, माँ नर्मदा का विकराल रूप देखने आए हैं। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग, ये देखिए ये सज्जन इस गाड़ी में जो हैं, ये भी हमारे आगे आगे आ रहे थे और ये भी वापस चल दिए हैं नर्मदापुरम की तरफ। अब हम वापस आ चुके हैं पुल पर दूसरी तरफ। यहाँ से माँ नर्मदा का विकराल रूप हम देखेंगे। इस वर्ष जुलाई में भी काफ़ी बारिश हुई। तवा डैम के जब पहली बार गेट खुले थे और हम लोग जब तवा डैम तक गए थे, उस समय इटारसी और होशंगाबाद की कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट चुकी थी। सिर्फ ये 4 लेन ही चालू था जहां से इटारसी या बैतूल के रास्ते पर आगे जाया जा सकता था। दोस्तों नर्मदापुरम में आने वाली बाढ़ से आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।